आज की हमारी रेसिपी है चंदोलिया, यानी कि खीरे की सब्जी। बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो इनको हम पूरी में बनाकर देंगे, इससे बच्चे खाएंगे और पिज्जा पास्ता जैसी चीज को भूल ही जाएंगे। मतलब तो स्टार्ट करते वीडियो को। ये है चंदोलिया और खीरे, बोल तमिलनाडु में इसको खीरे बोलते हैं, और इसको अभी हम बारीक बारीक काटेंगे। ये आकर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है जो हम पूड़ी में डालेंगे हमारी, इससे कट करेंगे इसे बारीक बारीक, और सब मॉम्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे एक तरफ से। ये और बहुत हेल्दी होता है। ये हमने तो ये खीरे हमारी खीरे हमारा चंदोलिया यानी खीरे कट हो चुका है। अब पूड़ी बनाने के लिए आटे में नमक हल्दी डाल रहे हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं, और हम हमारा वो जो पेस्ट है ना, अदरक अदरक इंजी और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं, इससे अच्छा और टेस्ट आएगा। और हमारे चंदोलिया को डाल रहे हैं हमारे इस डो में। अब इसको हम अच्छा मिला देंगे और हमारा आटा तैयार तैयार कर देंगे। इस तरह से हम हमारे डो को गूंद लेंगे। देखिए तो गाइस डो में थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि ये प्रॉपर प्रॉपरली सब बाइंड हो जाए। देखिए तो गाइस ये देखिए हमारा खीरे चंदोलिया का आटा रेडी हो चुका है। इसको हम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि हमारे खीरे का जो टेस्ट है और उभर के आए। रेडी हो चुका है। अब हम इस आटे को बेलेंगे, इसकी पूड़ी तैयार करेंगे। एकदम हल्के हल्के से इसे बेलना है ताकि ये पूड़ी फटे नहीं और इसका लुक ना बिगड़े। इसमें कोई फैटनेस नहीं है। जो डाइटिंग के हिसाब से अगर खाना कम खाता है तो उन्हें ये पूड़ी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरफ से पूरी ही नेचुरल है। अब हमने इसे तवे पे डाल दिया है। अब ये पूड़ी आधी सीख चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा साइड साइड से तेल डालेंगे इस तरह से, ताकि ये पूड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैश करते रहेंगे, इसे अच्छी तरह से घुमाते रहेंगे ताकि ये पूरी तरह से सीख जाए, और इसे इस तरह से पलट कर फिर से हम इसे रोस्टर करेंगे और क्रिस्पी हो जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसका लुक भी उभर के आ रहा है। और जो बच्चे कीड़े से नफरत करते थे, अब शायद उन बच्चों को कीड़े से प्यार हो जाएगा, तो अब हर माओं की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि उनके बच्चे कीड़े नहीं खाते हैं। और इस तरह से हमारी ये खीरे पूरी तैयार। देखिए अब ये हमारी थाली रेडी हो चुकी है और बच्चे खाने के लिए रेडी है। ये हमारी टमाटर और लहसुन की चटनी है जो बहुत ही टेस्टी लगेगी, और ये मसाला दही है। जो बच्चे दही और मसाला के साथ खाना चाहते हैं वो इससे खाएंगे, और जिसे चटनी पसंद है वो चटनी खाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये खाने की थाली रेडी हो चुकी है। जब थाली में डेकोरेशन अच्छा होगा तो खाने का मज़ा भी अच्छे से आएगा। तो गाइस इस चटनी का लिंक आकर डिस्क्रिप्शन में है, तो इस चटनी की रेसिपी देखनी तो जाकर देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि और इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपी आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून, बाय।